नमस्कार मत सह मु कमलाकांत आज जो टॉपिक रही फसईदेला फेसबुक बा फेसबुक फास एक आम यही कौचे कारण पाकिस्तान वर्तमान सोशल मीडिया को व्यवहार करुच्ची भारत रु गुप्त तथ्य नेबापाई एवं चांदीपुर भारत पर गोटे गुरुत्वपूर्ण स्थान एवं जितेबले चार संदिग्ध गिरफ्तारी होती अनेक तथ्य दिनक पर दिनक आसूची सामनाक आसूची एवं तार भितर गोटे कथा आसूची जे वीडियो कॉल माध्यम रे पाकिस्तान रु जने सुंदरी को फासरे माने फसी जाइथिले एवं केवल प्रेम जाल रे नुहे जहाँ को आम हनी ट्रैप कहचे केवल से कथा नुहे टंका कथा भी सामनाक आसूला एभली सूचना भी आसूची जे टंका कारबार रो प्रमाण मध्ये मिलुची एवं पाकिस्तान रु से जो झील रही सुंदर रही अकाउंट रु टंका आसुथबार प्रमाण मध्ये मिलुची एवं एठारु किबळी चांदीपुर मध्य कारबार होता से तथ्य मध्य जो क्राइमब्रांच टीम रही अधिक खोलताड़ करुच्ची आज चारजिया टीम पहुँची एवं अधिक खोलताड़ करुच्ची डीआरडीओ पक्षर अधिक खोलताड़ कर प्रकृत यही चारज ना एम आउ क्यों पाकिस्तान सुंदरी जाल हनी ट्रैप्रे फसी सोशल मीडिया को मध्यम कर पाकिस्तान किभली भाव में गुइंदा तथ्य एवं गुरुत्वपूर्ण तथ्य पाकिस्तान को नेउची भारतरु एवं एथिरे जो ए चारि जण फसी निहाती भाबरे चिंताजनक कथा भारतर सुरक्षा दृष्टिरु ओडिसा रो सुरक्षा दृष्टिरु एहा एक गुरुत्वपूर्ण स्थान होइथिबा बेले पाकिस्तान हनी ट्रैप को माध्यम करिछि एवं सोशल मीडिया को माध्यम करिछि मु आपनकु आगकु मध्य आलोचना रे कहिबि जे किभली भाबरे पूर्वरु मध्य भारतीय सेना रे सोशल मीडिया को ब्यान करा जाइथिला पाखा पाखी 99 आप को मध्य ब्यान कराइला तबे से संपर्क में आगे मुझे आपको कहबी तेज वर्तमान जीवा संजय महालिक आम सहित आम रिपोर्टर जोड़ी होती संजय वर्तमान अपडेट कौन रही है क्राइमब्रांच टीम पहुंची सारी चारजिया टीम एवं खोलताड़ कर प्रकृत में सहित आउ का लिंक रही कि आउ क्यों फसी कि तथ्य से पाकिस्तान को किसी अधिक अपडेट मिल पार्टी क्राइमब्रांच आज कौन कर किसी अपडेट रही निश्चित भाव कमलाकांत देखु बालेश्वर चांदीपुर स्थित जो डीआरडी अच्छी जो प्रतिरक्षा विभाग जो क्षेपणास्त्र घाटी अच्छी निश्चित भाव में यह एक गुरुत्वपूर्ण स्थान पूरा भारत वर्ष निश्चित भाव में जो भारत सुरक्षापी ये एक अभ्यंतरीण निश्चित भाव गोटे बड़ सुरक्षार दायित्व बहन करलेश्वर चांदीपुर स्थित जो डीआरडीओ क्षेत्र रही तेज जो 13 तारीख में जो भाई घटना सामनाक आसाला और जो तथ्य घटना लिक बाबद जो भाव में चारज को गिरफ्त कर ये चारज जाक बालेश्वर अंचल अच्छा चारज जाक जो विदेश जो गुइंदा संस्था अच्छी बा पाक जो गुइंदा संस्था अच्छी तांको व्हाट्सएप एवं विभिन्न जो सोशल मीडिया आप को व्यवहार करी से माने विभिन्न समय रे जो तथ्य प्रकट करथले बा तथ्य तांको दउथले निश्चित भाव में तहार जो भारत जो गुइंदा विभाग अच्छी गुइंदा विभाग को सामना को आसीतला ए घटना से माने ए चारि जण को ट्रैक करथले दीर्घ 3 मास रु अधिक समय धरी से मानको से माने आंको ऊपर नजर रखीथले ए चारि जण जको का सहित मिसुचंती का सहित कथा होचंती एवं विशेष भाव रे जहां सूचना रहीची पाकिस्तान जो सीमा रहीची राजस्थान बॉर्डर एरिया आंको पाखो को प्रत्येक दिन आईएसडी कॉल आसे एवं इंटरनेशनल कॉल माध्यम रे मारे अनेक समय धरी कथा होंती एवं ए माध्यम रे जणे युवती जो कथा हनी ट्रैप कथा कहा जाउची जणे युवती आंको प्रेम जाल रे फसाइतिला एवं विभिन्न समय रे वीडियो कॉल माध्यम रे आंको प्रेम निवेदन करथुला एवं ता माध्यम रे सेवा से दाबी करथुला कि जो डीआरडीओ रे विभिन्न प्रकार तथ्य अछि आपण अग्नि कथा कोंतु ब्रह्मोस जो विभिन्न गुरुत्वपूर्ण मिसाइल सब अछि ता से जो तार गुरुत्वपूर्ण तथ्य गुडी को आंको पाखरो नउथुला एवं ता माध्यम रे किछ अर्थ भी मध्य आंको प्रदान करथुला जहां वर्तमान समय रे सूचना मिलि आउ गोटे खबर बर्तमान सामना को आसूची जे चांदीपुर स्टेट बैंक जो रही सेठारु मध्य अर्थ कारबार होई छी एने प्रमाण मध्य सामना को आसूची एवं वीडियो कॉल चैटिंग कथा मध्य सामना को आसूची जहाँ कि जो अभियुक्त मैंने गिरफ्त होने मना करुछंती किंतु वर्तमान जहाँ सूचना आसूची जे प्रकृत में चांदीपुर जो कैंपस रही भितर जो स्टेट बैंक रही से आर्थिक कारबार होइथिबार गोटे प्रमाण मिलुछि एवं वीडियो चैटिंग कथा मध्य सामना को आसूची निश्चित भाव से कथा मुझे आपको चाहूँगी जो गत किछि दिन तले जो स्टेट बैंक रही से ही स्टेट बैंक शाखार ट्रांजाक्शन होता पाखापाखि 15,000 रु 30,000 टंका यार भितर ट्रांजाक्शन होता है यह ट्रांजाक्शन रही विदेश पाखु किसी टंका आसला और एमने से वीडियो चैट माध्यम विभिन्न जो सोशल मीडिया अच्छी ताकि व्यवहार करी एमने सहित जोगाजोग करते विभिन्न तथ्य मध्यम प्रदान करते से टंका पठाऊ जहाँ वर्तमान पक्षर सूचना रही 15 रु पाखापाखि
30,000 टंका एक एस बी आई आकाउंट को आसीथिबार एमाने ये से टंका को उठाइथिबार किंतु जतेबेले एही प्रश्न आमे तांको जो अभियुक्त चारि जण अभियुक्त रहितले तांको जतेबेले डाक्टरखाना को अणा जायथिला गतकाली तांकर स्वास्थ्य परीक्षा पई सेतेबेले तांको मध्ये आमे ए प्रश्न करथिलु जे आपनको पाखकु किए टंका पठाउथिला एवं को जगारु टंका आसुथिला एवं आपनको सहित किए किए कथा होथिले से मना करबा सहित तांको विभिन्न समय रे फसाई दिया जाय बोली कहथिले एवं तांको सहित विभिन्न अधिकारी रहितला किंतु जहां आज स्पष्ट सूचना मिली जो विभाग अधिकारी बड़ बड़ अधिकारी माने रही तरफ सूचना मिली अकाउंट को पाखापाखी 15,000-30,000 टंका आसी अकाउंट को से टंका कारबार जहाँ स्पष्ट प्रमाण होती बर्तमान आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कर्नेल बीके बस्तिया सर जोड़ी सर आपको अर्गस न्यूज को प्रथम स्वागत करी पूरा घटना को सर आपण किभळी देखुछंती जे वर्तमान चारि जण जो अभियुक्त रही क्राइमब्रांच तदंत करिवो किंतु एत सांघातिक कथा जेतेबेले वीडियो कॉल माध्यम रे भारतरु तथ्य पाकिस्तान नेउछि एवं आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होछि आपण मध्ये जानिथिबे जे पूर्वर मध्ये भारतीय आर्मी पक्षरु अनेक गुडिए आप डेटिंग आप हेउ बा सोशल मीडिया आप को ब्यान करा जायतला किंतु ए जो तळिया कर्मचारी रहउछंती बा जो मान ठिकिया कर्मचारी रहउछंती वर्तमान पाकिस्तान रो लक्ष्य रे समान रहइछंती टार्गेट रे समान रहइछंती जे सेमानकु फसे फसा जाओ एवं अर्थलोभ एवं जो हनी ट्रैप कथा कह जाउची एहा माध्यम रे भारतर जो रही गुप्त तथ्य रही गुरुत्वपूर्ण तथ्य रही पाकिस्तान हासिल कर देखु प्रथम तो मुझे कहि जो केसटा बर्तमान आम चांदीपुर डीआरडीओ चांदीपुर केसटा जोटा से हुए तो हनी ट्रैपटा केवल हनी ट्रैप आपड़ क्या करेंगे जो मैंने यंग थे बयस कम बयस कितु एथर मुझे जाना पाइल दु जन 52 years ओल्ड तेणु तर मेन उद्देश्य टंका मिलगे से मैंने दे आर नॉट वेरी रिच पीपल से टंका दरकार से टकर आकर्षित कई आकर्षित कराई तेरे फसा है मत जहाँ लगुच द्वितीय या पूर्व हनी ट्रैप तो बहुत गत 40-50 वर्ष धरी पाकिस्तान सबुठ बड़ अस्त्र यहाँ से जदि कन्वेंशनल वार वार संगे लड़ी पारना किंतु टाइप इनफॉरमेशन एक्वायर करने से सबुबले आर्मी एयरफोर्स नेवी जवान मान को अफसर मान को भी से केते क्षेत्र में एमती कराई सबुठ बड़ सांबा स्पाइंग केस जो आप जानते हैं पाखापाखि 40 वर्ष ते से बहुत फेमस केस था जो थे बहुत लोग फसिले कितु जो थे जाशुणी कहीं फसी ना से हनी ट्रैप फसिले आउ देखु पाकिस्तान को मानने यहाँ कहीं बड़ सबुठ बड़ साज्य हो भारत में बहुत सपोर्ट ग्रुप अच्छा गोटे खास करी गोटे विशेष धर्म लोक जो अच्छा धर्म सब बड़ा देश प्रति देश ठार धर्म बड़ तेणु से बहुत इजिली ट्रैप होने जिते आसने सपोर्ट गोटे बेस मिल जाऊँच टाँ थ्रु भी आस बाहर जदि हो फरेन आस टा कि अधिकांश आप देखिए ईश्वर बेहरा केस प्राय मैक्सिमम 5-6 सिटी आदि बाहर दुटा देश आसाला टाँचा तेणु एम टा कौट आसती बर्तमान इनभेटिगेसन बर्तमान क्राइम ब्रांच को या दिखाई इनभेटिगेसन रू गुड़ाए जिनस आसव हुए तो इवेन दरकार पड़े से इनभेटिगेसन ट्रांसफर अने को अने एजेन्सी को भी करते आहरी बड़ एजेन्सी आउ का दे पारती सर आम पूरा तदंत उपर नजर रही तेज आपको कौन लगुच ये जो ठिका कर्मचारी मैंने रही पाकिस्तान जो रही गुइंदा विभाग जो हनी ट्रैप कथा कहते कौन अर्थ लोभ देखु तथ्य आदाय कराई से क्यों प्रकार तथ्य आदाय करने चेष्टा करेंगे कारण एम तो टेक्निकाली नए कि बड़ पदवीर भी नहांती तो एम पाकिस्तान गुइंदा विभाग क्यों भली तथ्य आदाय करने टार्गेट कर फेर बीके बस्तिया अधिक आलोचना करवा जो टेक्निकाल दिग रही से संपर्क में आगुक आलोचना कर तेरे संजय महाड़िक आम रिपोर्टर अच्छा बर्तमान आम सहित संजय महाड़िक फेरवाई चाहिए संजय आपड़ जमी कहते जे टंका को लेकिन किसी तथ्य दौले जे के कारबार हो स्टेट बैंक कथा सामना को आसूला तो पूरा तथ्य कौन रही केत कारबार होती आसी टंका एने पूरा सठिक तथ्य बर्तमान मिल पारे कि देखु कमलाकांत जहाँ सूचना रही कि वर्तमान सुधा 15,000-30,000 टंका अकाउंट रु जो इंटरनेशनल माध्यम रे ट्रांजैक्शन एवं सेमाने ए टंका को ग्रहण करछंती चारिजण टंका उठा एवं डिमांड करिबा सहित कथबार्ता करिबा विभिन्न समय टंका डिमांड करिबा ए जो सब विभिन्न प्रकार जो नागरे अभियोग लगी निश्चित भाव में वर्तमान जहाँ सरकारी स्तर जो पुलिस विभाग तरफ सूचना मिली कितु जदि आप कहते कि
कौ डाटा ग्रहण करने से चाहूंगे जो पाकिस्तान गुईंदा विभाग अच्छी निश्चित भाव में जो आप जानते बालेश्वर स्थित चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी जो रही निश्चित भाव में पृथ्वी और अग्नि को नहीं विभिन्न समय परीक्षण कराए ये जो यार जो रेंज रही आईटीआर जो कथा कहुए इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज रही जो क्षेपणास्त्र गुड़िक दूरग्रामी क्षेपणास्त्र यहाँ विषय में अधिक पाकिस्तान गुईंदा विभाग जानापी और केते समय मिसाइल गुड़िक टेस्ट होते क्षेपणास्त्र रेंज रही कौटू कौटी की ता क्षेपणास्त्र कर सफल हो विफल होने भाव में विभिन्न तथ्य से यह बाबदे विभिन्न समय प्रलोभन देखा जाता टाँह पठा जाऊला और हनी ट्राप जो युवती सहित कथबार्ता होता और सहित प्रेम जाल में पड़ एम गांड घटाई जहाँ बर्तमान पक्ष में सामना को आसी घटना सबू तेब ए बाबद अधिक जहाँ आउट अधिक सूचना रही आउ दुज को सन्देह जो जिला पुलिस अच्छी बर्तमान अटक रखी और पचराउचरा कर जड़े स्थायी कर्मचारी रही आई टी आई जो डीआरडीओ जो स्थायी कर्मचारी जड़े रही आहरी जड़े ठिका कर्मचारी रही सी दुज को बड़ कथा कहते संजय जड़े स्थायी कर्मचारी भी अच्छा जमीक चारज ठिका कर्मचारी गिरफ होती कि बर्तमान आपड़ जहाँ अपडेट दे आउ दुईज रही संदिग्ध रही तादेह सबुठ बड़ कथा हो जड़े स्थायी कर्मचारी अच्छा जोटा कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ कारण जदि स्थायी कर्मचारी निहाती भाव में अधिक तथ्य पाकिस्तान व्यवहार कर पाई थने तो क्राइमब्रांच तदंत कर तदंत पर ही पूरा कथ स्पष्ट हो पार तेज पूर्व ईश्वर बेहरा कथ सामना को आसला सेत देखुं कि सहित किसी लिंक रही कारण तक भी यही भाव में फसा जाता तो आप कौन देखुं ईश्वर बेहरा भाई सहित लिंक रही कि देखो ईश्वर बेहरा घटना जितेबाला सामना को आसी ईश्वर बेहरा को मध्य से ठीक ईश्वर बेहरा भी जने फोटोग्राफर थे डीआरडीओ जो ठिका कर्मचारी भाव में से विभिन्न समय जो मिसाइल टेस्ट रेंज और मिसाइल केत उत्क्षेपण होने फोटो उठाते और से ठिका कर्मचारी थे ठीक से ही भाव में गुईंदा विभाग जो रही पाकिस्तान गुईंदा विभाग से यही भाव में ठिका कर्मचारी मानक टार्गेट करुवा ठिका कर्मचारी पाकिस्तान निहाती भाव नजर रखी आम सहित पुणे जोड़ प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कर्नेल बीके बस्या सर सर आम मोर नेक्स्ट प्रश्न थिला आपन को जे जेहेतु माने ठिका कर्मचारी थिले किंतु एबे बड़ खबर आसुची जे जने स्थायी कर्मचारी मध्य एथिरे थाई परंते एवं जो चारज गिरफ्तारी होता आउ दुई जन नाम सामना को आसुची तबे मो प्रश्न थिला पाकिस्तान गुईंदा विभाग यही जो चारज रही थे कारण बर्तमान पर्यंत आउ दुई जन ना कन्फर्म होनी तबे जो चारज गिरफ्तारी होती से पाकिस्तान कौन तथ्य आशा करण से बड़ पदवी में नहांती से क्यों तथ्य आदाय करने ट्राप रची थे देखो जो यो कंट्राक्चुअल लेवल जो अस्थायी हूँ कि स्थायी हूँ जो मैंने कौ धरण काम करुले मुझे जाना पाइली जड़े डीजेल जेनेटर अपरेटर थे जड़े दिज एसी अपरेटर थे जो प्रेजेन्स निहाती दरकार जिते बेकोसी चाहे मिसाइल हो रकेट हो कि क्लस्टर बम ये टेस्ट हुए पूर्व सब सीनियर डिफेन्स अफिसर्स जो मैंने इनवल्व था प्लस साइंटिस्ट भितरे बहुत किसी आलोचना हुए डिस्कशन हुए तार इवेन मिसाइल रो टेस्टिंग हुए तार इवेन सर्किट डायग्राम भी डिस्कशन करा जाए ये सब इनफॉरमेशन ये सब डॉक्यूमेंट से कॉन्फ्रेंस रूम ऑफिस रूम एगुडा सब अवेलेबल निश्चय रोथबो तेणु एमाने जेहेतु सीटे पाखे ऑपरेट करुचंती तेणु से थ्रू इजिली से किसी इनफॉरमेशन नहीं छाड़देले जमी से ईश्वर बेहरा गोटे थे सीसीटीवी कैमेरा ऑपरेटर से फोटोग्राफी तेणु कई सन्देह कले ना सीसीटीवी कैमेरा ऑपरेटर से लंच होता मिसाइल लंच होता तार से फोटोग्राफ नौला से ही फोटोग्राफ नहीं गुड़ाए से थ्रू इनफॉरमेशन जोटा आईएसआई पाकिस्तान नहीं कर साइंटिस्ट मान को किंबा मत जहाँ आशा इवेन चाइना को भी ट्रांसफर कर सो जो थे मिसाइल डिफेन्स सिस्टम पर्टिकुलर मिसाइल को डिफेन्स केमती कर डिफेन्स केमती कर डिफेन्स सिस्टम को से डेवलप करें कि इनकॉर्पोरेट करें तेणु छाड़देले बहुत किसी सिक्रेट इनफॉरमेशन जो गुड़ा जापर यह सब एस्टैब्लिशमेंट रु ये जो डिफेन्स एस्टैब्लिशमेंट यहाँ बहुत गोटे गुरुत्वपूर्ण एस्टैब्लिशमेंट यहाँ तेणु एथरु आई लोक मैंने अच्छा एम जदि हो पुलिस वेरिफिकेशन रिक्रुटमेंट पूर्व निश्चित भाव में हो जे भी कंट्राक्ट रखी सर आउ गोटे प्रश्न मन को आसी जो ह्वाट्सअप सोशल मीडिया कथ आसू जहाँ को लेकिन आमर आलोचना जे सोशल मीडिया को ब्यान कर 2020 आप मन थी जिते बड़े फेसबुक ह्वाट्सअप जो डेटिंग आप रही ब्यान कर भारतीय जो आर्मी रही ब्यान करगुड़ को व्यवहार करनी कारण पाकिस्तान यहाँ व्यवहार करुच्ची विरोध में तो
एबे समय आसी कि जो कैंपस रही जो आर्मी कैंपस क्या कहतु डीआरडीओ चांदीपुर तो ये जो पूरा कैंपस रही भितर भी जो मैंने चलप्रचल कर ब्यान लगे आवश्यकता रही बर्तमान देखु जेहेतु डीआरडीओ इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज है जो प्रूफ टेस्टिंग सेंटर अच्छी सबू एरिया यहाँ हूँ प्योर आर्मी एयरफोर्स नेवी एस्टेब्लिशमेंट नुहे यहाँ हूँ गोटे डिफेन्स एस्टेब्लिशमेंट जो थे कि मोस्टली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से सब सिविलियन साइंटिस्ट आरंभ कर बहुत सिविलियन एम्प्लॉय अच्छा तेनाली लागू करवा संभव नईपे कि भावे कष्टर हे ये नियम लागू करवा तेज सर मुझे आपको अटकवाई चाहिए आम सहित कमलाकांत दास वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी सर आपको अर्गस न्यूज को स्वागत करी आम जमी आलोचना करुले हनी ट्राप जमीक सार कौन जे अर्थ कथा आसुची सामना को तबे किभली देखुं पूरा घटना को कारण पूर्व भी चांदीपुर टार्गेट रही पाकिस्तान भारत गोटे गुरुत्वपूर्ण स्थान यह किभली टैकल कर भारत कारण पाकिस्तान यमी कहते सीधा सड़क युद्ध में भारत को पारन तो यही हनी ट्राप अर्थ लोभ देखा कि तथ्य हासिल करने चेष्टा कर भारत बर्तमान जदि कह चांदीपुर केमी टैकल कर ओडिशा भारत देखो प्रथम कथा क्यों एम्प्लॉय मैंने अरेस्ट होती है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय बोले हमें खबर पाऊँगा गोटे सर आ गोटे अपडेट आपको देदेव आउ दुई जन भी संदिग्ध रही जड़े स्थायी कर्मचारी भी अच्छा एक कहुच्छे कनफर्म होनी तेज जहाँ सूचना मिलू बर्तमान अच्छा अच्छा प्रथम कथ आम जो एम्प्लॉय मानक कम दौ रिक्रुट करम रिक्रुटमेंट उपर प्रश्न उठ गोटे कथ आम क्या रिक्रुट करुचर मेन्टाल हेल्थ कौन अच्छे से कौ जगार आटेल कौन तक विषय कागज रहा कारण आउ गोटे कथ हूँ आपड़ साधारण कार्य करने गोटे कंपनी मार्केटिंग प्रडक्ट मार्केटिंग हायर करना आपड़ देशर सुरक्षा हायर कर तेणु जो सुरक्षार जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी रिक्रुटमेंट प्रैक्टिस अच्छी तापर प्रथम प्रश्न पचार आवश्यकता अच्छी आपको हायर करता किए के हायर होते कार्यकलाप मॉनिटरिंग किए करूला जो लीड आसला धरिया जो लीड आसला पहुंचा से कौट पहुंचला तेना बर्तमान आमर समस्त सिक्यूरीटी एस्टाब्लीशमेंट खास करूरीटी एस्टाब्लीशमेंट आम पाखे न्यूक्लीयर सिक्यूरीटी एस्टाब्लीशमेंट अच्छी साइंटिफिक सिक्यूरीटी एस्टाब्लीशमेंट अच्छी सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी सब सिक्यूरीटी इनक्लूड पुलिस इंटेलीजेंस तेनाली जो रिक्रुटमेंट हूँ से रिक्रुटमेंट को प्रथम प्रश्न पचारे स्ट्रीमलाइन करार अच्छी से मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ देखा सहित आंबिशन समस्त रखार अच्छी राडर द्वितीय कथा हूँ ता भितर पाकिस्तान किभली भाव में क्यों ट्राप रे पैसा लोभ के ट्रैकिंग स्पायवर पकई करुच्चू हनी ट्राप करुच्चू किभली भाव सी अट्रैक्ट कर देने भारतीय भारतर भारत माता भारत देश पेट्रियोटिज्म देश प्रेम ना आउ गोटे विदेशी शक्ति अच्छी तेनाली कौन जाणिकी फसी अजाणत फसी बुझा आवश्यकता अच्छी कारण आम पाकिस्तान स्ट्राटेजी जाना दरकार अच्छे जदि आम शत्रु स्ट्राटेजी न जाणी पार्छु तमर इंटेलीजेन्स फेलियर है आम को प्रश्न उठो प्रथम है हायरिंग द्वितीय है अपोजिशन स्ट्राटेजी कौन करुच्छे जानवर अच्छे दुई नंबर तीन नंबर हूँ सेनसीटिव इनफर्मेशन आपड़ कि भाव में यूज कराखे यूज करमी रखुं क्यों जगह रोचे रोचे कि जो हैक कर दी हम क्लाउड रखा हैक करहब कि अनहैकेबल कंप्यूटर अच्छी तेनाली हाकिंग रिनसा आमको डिजिटली सिक्योर साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी आम इंटेलीजेंट इनफर्मेशन सिक्योरिटी आम काम कर प्रथम हूँ हायरिंग द्वितीय हूँ अंडरस्टैंडिंग द काउंटर इंटेलिजेंस मेथोडोलॉजी कौन तक अच्छी तृतीय हूँ आम साइबर और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को किभली भाव में आम हैक प्रूफ रखिपरिया तापर मैं काम करने आवश्यकता मोर तीन टा पॉइंट आज टेक आउट निहाती आप जो कहते तीन टी पॉइंट मुख्य पॉइंट किभली भाव में हायर करागला किए मॉनिटर करुथला एवं सबुठ बड़ कथा जो डाटा रही किभली भाव में सेफ रखा जाय परिबो तापर वर्तमान ध्यान देवार आवश्यकता रही सर मुझे आप फेर भी मुझे पुणि थे बिके बस्तिया सर पाक फेरिया चाहिए कर्नल बिके बस्तिया आपको मोर प्रश्न रेमती कहते वर्तमान तदंत हो किए यह काजुअली नि जो हायर करा मेंटल स्थिति व आर्थिक स्थिति देखा जा ना कारण गोटे छोटा छोटा इनफर्मेशन पूरा देश को विपद रे पकाई पारे को हायर करा निश्चित कारण मुझे जानपी जो कंट्राक्ट दिखाई को पर्टिकुलर कंट्राक्टर थ्रु दिया जो एस्टेब्लिशमेंट अच्छी प्रूफ टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट
ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାୟର କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାୟର କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ। ସେ ଏସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ବେଳକୁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଜେନେରାଲି ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୁଅର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି, କାରଣ ଜେନେରେଟର ଅପରେଟର ହେଲା, ଏସି ଅପରେଟର ହେଲା, କି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅପରେଟର ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କରାହେଇଛି ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥିବ, ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଥିବ କି ହଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି କ'ଣ, ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଭେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କରପ୍ଟ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା, ତା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଶହେ ବାର ଭାବିବା କଥା କି ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇ କାମ କରିବି କି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଯେତେ ଦେଲେ ବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ୟାଙ୍କୁ କିଣି ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି 30,000 ଅଭିଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି 30,000-40,000 କି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ କିଣିପାରିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଏମ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ତା ଭିତରୁ କି ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ନେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାକ୍ସରେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା କିଛି କହିହବନି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ କାହାର ଦେଶ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯୋଉ ଆପଣ ପଚାରିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ସବୁ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁତ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିକେ ବସ୍ତିଆ ସାର୍, ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବ ନା ଅଧିକ ହାୟର ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ରେ? ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବା କଥା, କାରଣ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆମେ ତାକୁ ମଡ୍ୟୁଲ ବୋଲି କହୁ, ଯଦି ମଡ୍ୟୁଲଟା ବା ଯୁବ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ବୁଝିଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଜାଣିଦେଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଲରେଡି ପାସନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯଦି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କିଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କିଏ ଥିଲା, ଏମାନେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଥିଲା, କିଏ ଆଙ୍କର ମଝିରେ ଥିଲା, ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଏ ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଗଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବଧିଆ ସମୟ ଲାଗିବନି ଆଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ଆରେଷ୍ଟ ହବ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ସେ ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, ତା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହବ, ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତିଆଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଗ୍ରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କେବଳ ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ଏନଫ୍ ନୁହେଁ। ପୁଲିସ ଭେରିଫିକେସନରେ କ'ଣ, ମୋ ନାଁରେ ଆଦୌ କିଛି କେସ୍ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଉ କେସ୍ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଏରିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦରମା 10,000 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆଉ ମାସକର ଆଡିସନାଲ ଦରମା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାୟର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିକି ଇନଫର୍ମେସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି କାହାକୁ ଦବା କଥା ନୁହେଁ, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହାୟର ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ଜାଗାରେ। ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନିଟରିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିଲେ ପ୍ରଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିକେ ବସ୍ତିଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ଡିଆର୍ଡିଓର ଏଇ ଯେଉଁ ମାମଲା ପୁରା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରି ବା ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭାରତଠୁ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଛି। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆଶା କରିବା ପୁରା ଲିଙ୍କର କ୍ଷୀୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇବ ଏବଂ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।